लगी है, मुझे पानी पीना है। अभी लाई बेटा। माँ जल्दी। हाँ बेटा अभी लाई। ये क्या, इसमें तो पानी है ही नहीं। माँ पर मुझे बहुत जोर से प्यास लगी, मुझे पानी पीना है। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी भर के ले आती हूँ। हाँ। इतनी लंबी लाइन, एक तो ये भयंकर गर्मी, ऊपर से ये दूषित जल, क्या मैं अपने बेटे को पानी पिला भी पाऊंगी? क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हें पता है आज मैं अपने बेटे को पानी भी नहीं पिला पाई। तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, तुम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाओ ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का मतलब है पानी की बचत। पर वो होगा कैसे? ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है, इसमें अपने घरों के सामने तुम्हें गड्ढे खोदने होंगे जिसमें वर्षा का जल उसमें स्टोर हो जाएगा, ताकि तुम अपने कठिन समय में उसे प्रयोग कर सकोगी। इसका एक और भी फायदा है, इससे अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी इंक्रीज होगा। ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है, अब से मैं भी इसे अपनाऊंगी। तो देखा आप सबने, पहले तो इन लोगों ने बिना सोचे समझे खूब पानी बहाया और अब बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। तो अब ये भुगते, आखिर फिर इस स्थिति का जिम्मेदार हम ही तो हैं। हे ये दूषित पानी। अरे ये दूषित जल नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये दूषित जल कैसे हुआ। कैसे? अरे भाई, फैक्ट्री से निकला रासायनिक कूड़ा व कचरा और घर की नालियों से निकला दूषित जल इस पूरे स्वच्छ जल में मिलकर इसे भी दूषित कर देता है। हाँ हाँ, ये प्रदूषित जल किसी भी रिवर या ग्राउंड वाटर में मिलकर उसे भी प्रदूषित कर देता है। और कहीं कहीं तो ये इतना पॉल्यूटेड है, ना ये एनिमल्स के यूज में आता है, ना ही किसी एग्रीकल्चर पर्पस में। इसलिए किसी भी वाटर बॉडी में ऐसे पानी के मिलने से पहले उसका ट्रीटमेंट आवश्यक है। राहू काका, आपको पता है मेरे खेत में इतना प्रदूषित पानी आता है जिससे मेरी सारी फसल खराब हो गई है। तुम अब टेंशन मत लो, हमारे सरपंच गए शहर में, कोई ना कोई हल तो जरूर ही लाएंगे। अरे ये तो गंदा हो गया, इसे फेंक के आती हूँ। अरे अरे, ये तुम क्या कर रही हो? खराब पानी को फेंक रही हूँ। पर क्यों, इसके तो तुम और भी कई इस्तेमाल कर सकती हो। इस खराब पानी के? हाँ, जैसे बगीचे में पेड़ पौधों में दे सकती हो। इससे ना ही केवल हम पर्यावरण में अपने पेड़ पौधों को बचाएंगे, बल्कि पानी को भी बचाया जा सकता है। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, आज से इसे मैं भी अपनाऊंगी और जल बचाऊंगी। देखो देखो भाइयों, हमारे सरपंच जी इतने दिनों के बाद शहर से लौट रहे हैं, पक्का कुछ ना कुछ हल निकाल के लाए होंगे। और उनके साथ कोई और भी आया है। जय राम जी भाइयों। जय राम जी की। अरे सरपंच जी, आप हमारी समस्या लेके शहर गए थे, क्या उसका कोई समाधान निकला? धैर्य रखो। हाँ हाँ, पोल्यूटेड वाटर को यूजफुल वाटर बनाने के लिए और उस वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट और साइंटिस्ट द्वारा बहुत सारी योजनाएं की जा रही है, और इन सबको इन सब का हल बताने के लिए मैं आपके लिए एक साइंटिस्ट लेकर आया। जय राम जी की भाइयों। जय राम जी की। अरे इसे क्या हुआ? पता नहीं इसे क्या हो गया है, पूरे शरीर पे पीलापन छा गया है, सुबह से 6 बार उल्टी कर चुकी है, बता रही है इसके पेट में दर्द हो रहा है। बेटा तुम पानी कहाँ से पीती हो? वो हमारे पड़ोस में एक नदी है, वहीं से हम पीते हैं। क्या वहाँ किसी प्रकार के जानवर होते हैं? क्या वहाँ किसी प्रकार की गंदगी होती है? अगर आप अपनी बेटी को इस तरह का प्रदूषित पानी पिलाएंगे तो बीमारी नहीं होगी तो क्या होगा? आखिर आप सभी तो हैं इस परिस्थिति के जिम्मेदार। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमो गंगे करके एक योजना बनाई है जिसमें माँ गंगा नदी की सफाई हुई। इसलिए मैं कहती हूँ अपने आस पड़ोस किसी भी तरह की गंदगी ना फैलाए, ताकि इस प्रकार की बीमारियाँ फैलेगी ही नहीं। तो भाइयों, गांव वालों, मैं आपको बताऊंगी कि कारखानों में जो प्रदूषित जल होता है उसे अपने दिनचर्या में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले वो उस टैंक में जाता है जिसमें जितने भी सेडिमेंट्स और पेबल्स होते हैं वो नीचे स्टोर हो जाते हैं। फिर वो पानी फिल्ट्रेशन टैंक में जाता है, उसमें बहुत सारे सॉइल के लेयर्स होते हैं, और जैसे जैसे वो पानी उन सॉइल के लेयर से पास होता है वो पानी साफ हो जाता है।
गांव वालों, जरूरी नहीं है कि साफ पानी में किसी प्रकार की बैक्टीरिया या वायरस नहीं होगा, वो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है, इसलिए उसमें क्लोरीन या पोटाशियम परमैंगनेट नाम का हम केमिकल भी ऐड कर सकते हैं, ताकि उसमें अगर कोई प्रकार का बैक्टीरिया हो तो वो उधर ही मर जाए। इसलिए इस प्रकार हम वेस्ट वाटर को यूजफुल वाटर बना सकते हैं। मैं जानती हूँ गाँव वालों, जिस तरह कारखानों में हम इस तरह से शुद्ध कर सकते हैं, आप उस तरह से घर में नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि अपने घरों में 3 मटके रखें। जो पहले 2 मटके होंगे उसमें आप मिट्टी के लेयर्स डालें, और जो तीसरा मटका होगा उसमें क्लोरीन नामक या पोटाशियम परमैंगनेट नामक केमिकल रखें, और जैसे जैसे वो वेस्ट वाटर उन 3 मटकों से क्रॉस होगा वो पानी पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। इस तरह आप वेस्ट वाटर को अपने दिनचर्या में प्रयोग कर सकते हैं, इससे पानी की बचत होगी और आप जो परिस्थिति आज झेल रहे हैं वो भी झेलना नहीं पड़ेगा। तो गांव वालों, समझ में आया? हाँ, हाँ, Gracias.